राजधानी जयपुर में इन दिनों रेस्टोरेंट और कैफे की आड़ में हुक्का बार धड़ल्ले से संचालित हो रहा है जी। और इसी के चलते ज्योति नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कैफे की आड़ में चल रहे एक हुक्का बार पर छापेमारी की है। कॉस्मोस कैफे पर हुई कार्रवाई के दौरान दो दर्जन से ज्यादा लड़के लड़कियां हुक्का पीते पाए गए और पुलिस को देखते ही देखते सभी लड़के लड़कियां भाग खड़े हुए। तो वहीं पुलिस ने मौके से 19 हुक्के, पाइप और दर्जनों फ्लेवर के डिब्बे भी बरामद किए हैं और साथ ही पुलिस ने कैफे के मैनेजर महेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मौके से 19 हुक्के और कई फ्लेवर भी बरामद किए गए हैं। लगातार धड़ल्ले से हुक्के बार की जो बिक्री है वो चल रही है। ज्योति नगर थाना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कैफे की आड़ में चला रहे हुक्के बार पर छापेमारी की है जिससे 19 हुक्के भी साथ ही बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस को देखकर लड़के लड़कियां भाग निकले मौके से। लगातार हुक्के की जो बिक्री है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से 19 हुक्के, पाइप और फ्लेवर भी बरामद किए हैं और मैनेजर महेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। कॉस्मोस कैफे पर यह छापेमारी की गई और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादवेंद्र बताएं। हाँ देखिए लवीना, बिल्कुल ये देर रात कार्रवाई की है यहाँ पर ज्योति नगर थाना पुलिस ने, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर बिल्कुल जो हुक्का बार है उसको यहाँ पर बैन कर रखा है जयपुर कमिश्नरेट की ओर से। और लेकिन यहाँ पर पूरे जयपुर शहर के अंदर जितने भी जो कैफे चल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उनकी आड़ में यहाँ पर हुक्का बार संचालित है। तो ऐसे ही यहाँ पर ज्योति नगर थाना पुलिस को यहाँ पर मुखबिर से सूचना मिली थी, तो उन्होंने यहाँ पर जो कॉस्मोस जो कैफे पड़ता है, जो ज्योति नगर थाना इलाके के अंदर पड़ता है, वहां पर रात को दबिश दी। देर रात ये पूरी कार्रवाई चली। दबिश के दौरान यहाँ पर कम से कम एक दो दर्जन से ज्यादा जो लड़की लड़की थे वो यहाँ पर हुक्का पीते हुए नजर आए। इसके बाद यहाँ पर पुलिस ने छापा मारते हुए तमाम जो लोगों को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन जो लड़के लड़की थे वो यहाँ से फरार हो गए। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जो मैनेजर है, जो कॉस्मोस जो कैफे है, उसको उसके मैनेजर को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा जो मौके से करीब 19 यानी करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा जो हुक्के हैं वो बरामद किए। इसके अलावा जो फ्लेवर के जो डब्बे होते हैं वो करीब दर्जनों यहाँ से जो फ्लेवर के डब्बे हैं जो कि नशे के काम में लिए जाते थे, नशा करने के काम में लिए जाते थे, इन सभी डब्बों को यहाँ पर पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल जो पुलिस है जो उन्होंने यहाँ पर उस कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो मैनेजर है उसको महेश को वो यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन जो मेन जो संचालक है, जो मालिक है, वो फिलहाल इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। तो ऐसे में ज्योति नगर थाना पुलिस है अब इस जो मैनेजर है उससे पूछताछ करके पूरे मामले की यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है। जी यादवेंद्र जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जयपुर शहर के अंदर पूरे VIP इलाका जो पड़ता है, पॉश इलाका पड़ता है, जहाँ पर पुलिस का मुख्यालय भी है, इसके अलावा तमाम जो VIP जो यहाँ से गुजरते हैं तो उनके बीचों बीच यहाँ पर ये जो हुक्का बार चल रहा था वो भी रेस्टोरेंट की और कैफे की आड़ में, ये बड़े अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। साथ में जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल यह निशान उठा रहा है कि आखिरकार पुलिस को इन हुक्का बारों पर अब तक जो नजर क्यों नहीं पड़ी है। बिल्कुल जी यादवेंद्र, ये बताएं कि पहले भी कई बार प्रशासन ने हुक्के की जो बिक्री है उसको रोकने की कोशिश की है कई बार, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है, तो क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये पुलिस को ये करना पड़ेगा और जितने भी जो शहर जयपुर शहर के अंदर जो हुक्का बार जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं एक उनको यहाँ पर उनकी रैकी करनी पड़ेगी और रैकी के बाद यहाँ पर उनको छापा मारना पड़ेगा, क्योंकि कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये हुक्का बार संचालित है। लेकिन यहाँ पर नियमित तौर पर यहाँ पर जयपुर कमिश्नरेट की तमाम जो जिला थाना पुलिस है, जो DSP है, वो यहाँ पर इन रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पर छापा मारते हैं। बीते दिनों यहाँ पर कई कार्रवाइयां भी हुई है। इस जिले की बात करें, साउथ जिले की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो हुक्का बार है वो यहाँ पर संचालित होते हैं। यहाँ पर तमाम जो रेस्टोरेंट है उनको यहाँ पर कई बार नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन पीछे से ये लोग कैफे की आड़ में ये लोग हुक्का का जो सेवन है वो जी यादवेंद्र, मुझे ये बताएं कि इसके बाद क्या और भी, जैसे कई कैफे हैं जहां पर सरेआम हुक्के की बिक्री हो रही है, तो क्या और भी प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा सकती है? बिल्कुल, हमारी यहाँ पर जो कमिश्नर है, इसके अलावा जो तमाम DCPs है उनसे बातचीत हुई है, तो उनका ये साफ कहना है कि जयपुर शहर के अंदर हुक्का बार बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। तमाम जो रेस्टोरेंट हैं वहां पर छापा मारा जाएगा और वहां पर जहां पर भी ये हुक्का बार चल रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लवीना, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों करीब दो दर्जन से ज्यादा जो रेस्टोरेंट है, जो कैफेज है, उन पर यहाँ पर DCP ईस्ट है जो राहुल जैन है, उन्होंने भी यहाँ पर छापा मारा था। इसके अलावा साउथ जिले के अंदर भी जो DCPs है, जो योगेश दादीच है, उनके नेतृत्व में तमाम जो रेस्टोरेंट है वहां पर भी
छापा मारा गया था, तो यहाँ से कई हुक्का बारों को यहाँ से दबोचा गया था। और लेकिन प्रभावी कार्रवाई तो तभी साबित हो पाएगी जब जितने भी जो रेस्टोरेंट है उन पर नजर रखी जाए और वहाँ पर बार लगातार जो ये कार्रवाई है वो लगातार जारी रहे, ताकि जो हुक्का बार संचालित चलाने वाले जो रेस्टोरेंट जो मालिक है उन पर कहीं ना कहीं नकेल कैसे की उनमें कहीं ना कहीं चीज को लेकर डर बैठेगा। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।